नमस्कार दोस्तों, RAS डिजाइनर स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में स्लीव डिजाइन बनाना बताएंगे। तो इस तरह देखिए, हमने कट किया है, 11 इंच की लंबाई ली है, 6.5 इंच की लंबाई ली है, 11 इंच चौड़ाई ली है पूरी। और अब एक तरफ देखिए इस तरह मोड़ते हुए सिलाई लगा लेना है। लाइनिंग इस पर बाद में लगाएंगे, पहले इस पर पूरा बना लेंगे। तो एक तरफ से मोड़ते हुए सिलाई लगाना है। अगर कपड़ा ज़्यादा आ रहा है तो आप, हमने डबल फोल्ड करके 11 इंच इसकी चौड़ाई ली है, तो आप और ज़्यादा ले सकते हैं जितनी चुन्नट रहेगी इस पर। तो अगर ज़्यादा चुन्नटें भरनी हैं तो और ज़्यादा ले सकते हैं। अब देखिए, यहाँ से 6 इंच पर निशान करेंगे, इस साइड से भी 6 इंच पर निशान कर लेंगे। तो हमने दोनों तरफ कर लिया। अब इधर से हमें कर लेना है 2 इंच पर। अब ये 2 इंच पर करेंगे, अब ये जो यहाँ से 6 इंच पर निशान किया था वहीं से चुन्नटें बनानी हैं। अब जो कपड़ा इधर आएगा 6 इंच इस साइड छोड़ना है और 6 इंच इस साइड, दोनों साइड छोड़ना है। उसके बाद जो आएगा बीच में उसकी चुन्नटें बनानी है। और देखिए, 2 इंच इस साइड छोड़ते हुए हमने चुन्नट बनाई है, तो 2 इंच पर मार्क कर लिया था। अब यहाँ से इस तरफ भी चुन्नटें बनानी हैं, वही चुन्नटें इस तरफ पलट कर डालते हुए सिलाई लगाएंगे। तो हमने देखिए इस तरह यहाँ पर चुन्नटें बना ली है। उसके बाद अब हमें यहाँ से कट कर लेना है सिंपल स्लीव। तो हमने कट कर लिया। अब लाइनिंग इस पर लगाना है, जहाँ से सिलाई लगाई है, चुन्नट बनाना स्टार्ट किया था वहीं से लाइनिंग लगेगी। तो ये ले लिया है। अब देखिए इस तरह से इसको लगाना है, थोड़ा सा अंदर की तरफ फोल्ड करके रखेंगे और इस तरह लगा लेंगे। अब इस साइड से भी सिलाई डाल देना है। तो हमने सिलाई लगाई, उसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर लेना है। तो इस तरह कट करेंगे। अब हमें डोरी बनाना है। तो ये कपड़ा ले लिया है, अब इस पर सिलाई लगाएंगे। जितनी पतली रखनी है उस हिसाब से सिलाई लगा लेना है। सिलाई हमने लगा ली है, अब इसको पलटना है। अब इस तरह से इसे पलट लेंगे। तो हमने डोरी पलट लिया है। अब देखिए डबल करके लेना है और यहाँ से रखेंगे, जहाँ से ये हमने लाइनिंग लगाई है, सिलाई डाली है फ्रिल की। तो अब इस तरह से लगाना है इसे, छोटे छोटे डिजाइन इस तरह क्रॉस करते हुए सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए इस तरह लगा लिया है। अब लगाने के बाद इस पर हमें मोतियाँ लगानी हैं। तो दो दो मोती करके हर एक पर लगाएंगे।
तो इसी तरह पूरे पर लगा लेना है। तो ये लगाने के बाद डिजाइन हमारा बन के तैयार हो जाएगा। डिजाइन अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक न्यू डिजाइन के साथ। धन्यवाद।